हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे सूजी का हलवा। बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, बिना कोई झंझट के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हलवा बनाने के लिए लिया है मैंने आधी कटोरी सूजी बारीक वाली, आधी कटोरी चीनी और आधा कटोरी लिया है मैंने देसी घी और थोड़े से ड्राई फ्रूट, और लिया है सूजी का 3 गुना पानी। तो आधी कटोरी मेरी सूजी थी तो मैंने 1.5 कटोरी पानी लिया है। गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी। अब डाल देंगे इसके अंदर घी, घी को मेल्ट होने देंगे। अब डाल देंगे सूजी, घी में सूजी को अच्छे से भूनेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे और मीडियम गैस पे ही हम सूजी को भूनेंगे। मैं यहाँ पर देसी घी के अंदर बना रही हूँ हलवा, आप कोई सा भी घी ले सकते हैं। सूजी को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। देखिए ब्राउन हो गई है सूजी। अब हम गैस को स्लो कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने किशमिश, नारियल, बादाम और काजू लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को सूजी डालने से पहले थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लें, उसके बाद सूजी डालें। 2-3 सेकंड हो गए ड्राई फ्रूट को भूनते हुए। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब डाल देंगे इसके अंदर पानी। पहले थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे सूजी को। अब डाल देंगे सारा पानी और गैस को ऑन कर देंगे। बस अब पकने देंगे हलवे को, और तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी सूजी फूल कर डबल ना हो जाए और सारा पानी अपने अंदर अब्सॉर्ब ना कर ले। देखिए उबाल आ गया है। अब हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए सूजी फूलने लगी है। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। देखिए सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है और पानी भी सारा अब्सॉर्ब कर लिया है उसने अपने अंदर। देखिए बिल्कुल पानी सूख गया है इसका। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। चीनी को मिक्स करेंगे। बस अब हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 1-2 मिनट ही पकाएंगे इसको। बस चीनी हमारी मेल्ट हो जाए अच्छे से। देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। बस इसको 1-2 सेकंड और पका लेंगे। तो बस इतना ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे और सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बना हलवा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।